दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ जिस एग्जाम्पल को सुनने के बाद आपका माइंड अच्छी तरीके से खुल जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि शेयर मार्केट की इम्पोर्टेंस क्या है। और तो और आपने ये एग्जाम्पल अपने आसपास देखा भी होगा क्योंकि ये एग्जाम्पल है आपकी चहेती रॉयल इनफील्ड बाइक का। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि शेयर मार्केट में अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों ये एग्जाम्पल है दो भाइयों का, एक का नाम है मिस्टर ए और दूसरे का नाम है मिस्टर बी। दोनों भाई ईयर 2000 में अच्छी जॉब कर रहे थे और दोनों बाइक के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, स्पेशली रॉयल इनफील्ड बुलेट के। दोनों के दिल में बस यही इच्छा थी कि जब मैं अपनी चमचमाती बिल्कुल नई रॉयल इनफील्ड बाइक पर बैठकर निकलूंगा और उसकी भट भट की आवाज़ आएगी तो सारे मोहल्ले की लड़कियाँ मुझे देखेंगी। अब अपने इस सपने को लेकर दोनों भाइयों ने सेविंग्स करना शुरू किया और ईयर 2001 में मिस्टर ए ने भी 55,000 रुपीज़ की सेविंग्स कर ली और मिस्टर बी ने भी 55,000 रुपीज़ की सेविंग्स कर डाली। अब मैं आपको 55,000 रुपीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईयर 2001 में रॉयल इनफील्ड बुलेट की प्राइस 55,000 रुपीज़ ही थी। अब क्योंकि दोनों भाई के पास अपनी अपनी रॉयल इनफील्ड बुलेट खरीदने के पैसे हो चुके थे तो मिस्टर ए ने जैसे ही पैसे पूरे हुए उसी दिन वो शोरूम गए और अपनी रॉयल इनफील्ड बुलेट खरीद के लेकर आ गए। उस दिन मिस्टर ए बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया था। उन्होंने पूरे मोहल्ले में बाइक घुमाई, सब ने पलट कर देखा, लड़कियों ने भी देखा, बस वहीं पर वो खुश हो गए। अब मिस्टर बी की बारी थी, उनके पास भी पूरे पैसे थे, उनकी भी इच्छा थी कि बाइक खरीदूं, भटभट करता हुआ जाऊं, लड़कियां मुझे भी पलट कर देखें, लेकिन पता नहीं क्यों वो पैसे खर्च करने का मन ही नहीं कर रहा था। रोज़ वो मन बनाते थे कि कल शोरूम जाऊंगा, अपनी बाइक खरीद कर लेकर आऊंगा, लेकिन जब जाने का वक्त आता था तो उनका मन नहीं करता था उन 55,000 रुपये को खर्च करने का। फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अभी वो ऑफिस बस से ही जाएंगे और जो पैसा है उनके पास उस पैसे को वो खर्च नहीं करेंगे बल्कि इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्ट करने का मन तो बना लिया था लेकिन समझ नहीं आ रहा था इन्वेस्ट कहाँ करूँ। कभी मन करता था कि कोई दुकान खरीद लेता हूँ, कभी मन करता था कि ज़मीन खरीद लेता हूँ, लेकिन फाइनली कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तभी उन्होंने एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा कि शेयर मार्केट में पैसे लगाने से बने करोड़पति। उन्हें यकीन तो हो नहीं रहा था लेकिन फिर भी उन्होंने रिसर्च करने की सोची। अपनी रिसर्च में उन्होंने पाया कि शेयर मार्केट से आप सच में करोड़पति बन सकते हैं और शेयर मार्केट को गवर्नमेंट रेगुलेट कर दिया है। उन्हें ये भी पता चला कि जब आप एक कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं तब आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं और अगर उस कंपनी को फ़ायदा होता है तो जितने शेयर्स आपके पास होते हैं उस हिसाब से आपको भी फ़ायदा होता है। अब मिस्टर बी ने मन बना लिया कि मैं अपना पैसा शेयर मार्केट में ही लगाऊंगा और यही बात उन्होंने अपने भाई को भी बताई। जब उन्होंने अपने भाई को ये बताया तो भाई बहुत हंसा, बहुत मजाक उड़ाया उसका, अरे सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, शेयर मार्केट जुआ है, बाइक खरीद ले भाई, सारी लड़कियां तुझे पलट कर देखेंगी। लेकिन दोस्तों मिस्टर बी ने मन बना लिया था कि वो शेयर मार्केट में ही अपना पैसा लगाएंगे। अब उन्हें डिसाइड करना था कि उन्हें कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है। कंपनी का नाम आते ही उनके मन में बस एक ही नाम आया, रॉयल इनफील्ड। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई ने तो 55,000 रुपये की बाइक खरीदी है, मैं उस कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा और उस कंपनी का पार्टनर बनूंगा। जब उन्होंने डिसाइड कर लिया तो उन्होंने रॉयल इनफील्ड के शेयर्स ढूंढने की कोशिश करी लेकिन उन्हें नहीं मिला। बाद में उन्हें समझ आया कि रॉयल इनफील्ड तो एक सब ब्रांड है, उसका रियल ब्रांड है आइशर मोटर्स। तो उन्होंने ईयर 2001 में जो पैसा बाइक खरीदने के लिए बचाया था उस पैसे से बाइक ना खरीद कर उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए जिस कंपनी की वो बाइक खरीदना चाहते थे। उस वक्त पर आइशर मोटर्स जिसका सब ब्रांड है रॉयल इनफील्ड, उसके एक शेयर की प्राइस थी 1.89 रुपीज़। तो उन्होंने 55,000 रुपीज़ के शेयर्स खरीदे तो उनके पास 29,100 शेयर्स आए। अब एक बार आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ कि दोनों भाई ने बाइक खरीदने के लिए पैसे बचाए थे। एक भाई ने तो 55,000 रुपये की रॉयल इनफील्ड बुलेट खरीद ली, दूसरे भाई ने उस पैसे की बुलेट नहीं खरीदी बल्कि उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। अब जो मिस्टर ए थे वो मिस्टर बी को चिढ़ाते रहते थे कि मेरे पास बाइक है, सारी लड़कियां मुझे पलट पलट कर देखती हैं, तेरे पास पैसा था तूने तब भी नहीं खरीदा, तेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, शेयर मार्केट तुझे डुबा देगा, और ऐसी ही बातों से मिस्टर बी का बहुत मजाक उड़ाया करते थे। जबकि आज 20 साल बाद मिस्टर ए ने जो बाइक खरीदी थी उस बाइक की कीमत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है और अब तो वो चलती भी नहीं है। जबकि मिस्टर बी ने जो 55,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे आज उनकी वैल्यू है 7,42,06,349 रुपीज़। क्योंकि जब उन्होंने शेयर खरीदा था तब एक शेयर की प्राइस थी 1.89 रुपीज़ और आज एक शेयर की प्राइस है 2,550 रुपीज़।
और उनके पास 29,100 शेयर्स हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर ये बनता है 7,42,06,349 रुपीज़। अगर आज मिस्टर बीन सारे शेयर्स को बेचकर फिक्स डिपॉजिट भी करा लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो पर ईयर 37 लाख रुपीज़ के आसपास होगा, जो कि पर मंथ 3 लाख रुपीज़ से ज़्यादा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ उस पैसे के इंटरेस्ट से वो हर महीने 2 बुलेट बाइक खरीद सकते हैं और हर साल एक मर्सिडीज़ भी। मैं ये नहीं कहता कि आपको अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करनी चाहिए, बाइक नहीं खरीदनी चाहिए, आपको अपनी इच्छाएं भी पूरी करनी चाहिए, लेकिन अगर साथ ही साथ आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपको कई गुना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है फ्यूचर में। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास अपना एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के लिए मैं आपको 2 कंपनी सजेस्ट करूंगा। पहली तो है एंजल ब्रोकिंग, जो कि बहुत ज़्यादा रेपुटेड कंपनी है और यहाँ पर अकाउंट खुलाना 100% फ्री है। आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है अपना अकाउंट खुलवाने के लिए और आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करो, आप डायरेक्टली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपनी करंट सिटी डालने के बाद साइन अप पे क्लिक कर दीजिए। इनकी जो टीम है वो आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपका अकाउंट खुलवाने में आपकी हेल्प करेगी। और मैं तो कहता हूँ कि फ्री में कुछ मिल रहा है तो मौका नहीं छोड़ना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूँगा जीरोधा, जो इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है, आप वहाँ पे भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करने के बाद इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर बस आप अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद जीरोधा की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपका अकाउंट खुलवाने में आपकी हेल्प करेगी। अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका किसी और कंपनी में भी अकाउंट है तब भी आप यहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दोनों में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। स्पेशली मैं आपको एंजल ब्रोकिंग के लिए कहूँगा कि वहाँ पे तो फ्री में अकाउंट खुल रहा है, तो आप अपना अकाउंट ज़रूर खुलवा लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।